करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। जी अहमद भाई, अच्छा अहमद भाई, आप दाता हुजूर पर हाजिरी पेश करने आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं आते हुए। मैं माशाल्लाह जुमा भी 6 साल से इधर ही पढ़ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शद ने ड्यूटी लगाई हुई है कि 6 साल हो गए हैं हर संडे को इधर और पीर मक्की ड्यूटी है। सुभान अल्लाह, ये भाई इधर 6 साल से जुमा इधर पढ़ते हैं। कारी साहब, आप मुझे कुछ दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की कोई ख़ास करामत, कोई भी बता दीजिए। ख़ास करामत जनाब मोहतरम, किताबें भरी पड़ी हैं, खासतौर कशफुल मजूब का मुताला करके देखें। कशफुल मजूब में दाता अली जी सरकार की बहुत सारी करामतें मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो दूध वाली करामत बड़ी मशहूर है बाबा जी की कि जनाब। बाकी एक वो दूध से हट के ज़रा एक कि एक दिन कोई अल्लाह का बंदा था, वो दाता अली ज्वेरी सरकार के पास आया और कहने लगा कि बाबा जी मैंने सुना है कि आपने बड़ी करामतें दिखाई हैं और आपने बड़ी करामतों का जहूर किया है, तो जनाबे वाला मैं 40 दिन आपके पास रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो जनाब 40 दिन वो बंदा रहा बाबा के पास, और 40 दिन के बाद दाता अली ज्वेरी सरकार से कहने लगा कि बाबा जी 40 दिन हो गए मुझे आपके पास रहते हुए, लेकिन मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। तो बाबा जी ने मुस्करा के कहा कि यार 40 दिनों में मेरी कोई नमाज़ रह गई हो? कहने लगा नहीं बाबा जी, मेरा कोई ऐसा फेल, मेरी कोई ऐसी बात जो खिलाफ़ शरीयत हो? कहा नहीं, मेरा लिबास खिलाफ़ शरीयत हो? कहा नहीं, तहज्जुद में कोताही हो? फरमाया नहीं। तो कहने लगा इससे बड़ी और मैं करामत क्या दिखाऊँ? तो मेरा पैगाम यही है भाई कि इससे बड़ी और कोई करामत नहीं है। आप जनाब वो कहते हैं ना कि पंजाबी का शेर है, ना औखे पेंडे पा मुल्ला, ना इलमा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना रोल दुनिया दे इश्क विच, मैनू मेरे यार दा दीदार करा मुल्ला। तो बात यही है कि भाई इतनी बड़ी हस्ती हैं पूरे बरेसगीर में, इनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। अच्छा कर साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, उनका ये अकीदा है कि दरबारों के ऊपर जाना शिर्क है, तो उन्हें आप उनका उनके बारे में आप क्या ये सवाल का जवाब? हाँ, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की भाई। सबसे पहले तो शिर्क का माना देखा जाए कि शिर्क किसको कहते हैं। यहाँ पर अक्सर एतराज़ होता है कि नाब जी दरबारों पर जाके सजदे होते हैं, दरबारों के 100 मामला होते हैं। सबसे पहले भाई इसके लिए नीयत का होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी अगर बंदा सजदा तज़ीमी हराम है, सजदा इबादत अगर किसी ने किया तो वो दारा इस्लाम से खारिज हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जनाब वाला शिरक, अब शिरक क्या है? सही बुखारी शरीफ की 90 या 93 जरा लोगों को पैगाम है कि जो बंदे कहते हैं ना शिरक है, शिरक हो गया, सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 91-92 उनका मताला करें। हज़रत उमर पाक का देखें कि हज़रत उमर पाक किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करते थे, और फ़तावा रज़विया में जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं, मुकल्लिद हैं इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, उनका फ़तावा रज़विया में वाज़ेह तौर पर फतवा मौजूद है कि दरबार पर जाना एक मुस्तहब अमल है, ठीक हो गया। और अब आगे शिरक की बात जनाब वाला, अगर इंसान तज़ीमन रुकू की हद तक झुकता है, रुकू पूरा नहीं करना, कमर आपकी सीधी नहीं हो, इससे ऊपर हो तो मुस्तहब अमल है, वरना जैसे ही आपका झुकना तज़ीमन रुकू के बराबर हो गया आपने गुनाह कर लिया, ठीक हो गया। और दूसरी बात, अगर कोई बंदा जनाबे वाला सजदा करता है तो सजदा भाई कोई बंदा इबादत समझ के नहीं करता, वो सीधा अकीदत में इतना खो जाता है कि वो सजदा कर देता है। और बार बार मैं आपको दोबारा भी यही कहूँगा कि सजदा तज़ीमी हराम है, और जिसने सजदा इबादत समझ के किया वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। अब बात आ गई शिरक की ना, वो तो बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, जो बात शिरक वाले कहते हैं उनके नज़दीक तो हम ही दायरे इस्लाम से खारिज हैं। हम ही दायरे इस्लाम, वो बाबुल शाह कहते हैं ना, बड़ा प्यारा बाबुल शाह का शेर है, कहते हैं कि फ़र्ज़ छड्डी जाते हो, नफल वजे भजी जाते हो, नेकियाँ छड्डी जाते हो, गुनामा वल भजी जाते हो, वो कुछ बुले नूं भी दसो ये की करी जाते हो। आखिरी पैगाम, आखिरी बात, अब इतनी बड़ी दरगाह पे आप आए हैं, यहाँ से दिल का रूहानी लंगर लेके जाएं, आप खाली को उधर बिरयानी खाने के चावल खाने नहीं भाई, रूहानी लंगर लेके जाएं। और मेरा पैगाम यही है कि जब आप दाता अली ज्वेरी सरकार की चौखट पर चढ़ें तब आप गुनाहगार थे, लेकिन जब यहाँ से जाएँ तो फिर बदला हो, आपकी आज के बाद कोई नमाज ना छूटे, नबी सल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ें। और मेरा आखिरी पैगाम, एक छोटी सी गुफ्तगु, अल्लाह की इताअत करें, नबी सल्लम की जनाब मोहतरम इताअत करें,
माँ बाप का अदब करें, छोटों से शफकत करें, बड़ों का अदब और इज्जत एहतराम करें, खुदा की इज्जत की कसम यही चीज़ें आपको जन्नत में ले जाएंगी। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह।